पिज्जा रेडी है। हाँ चलो पे रेडी है। चलो पी, चलो शुरू करो। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी मैं देख रही हूँ चली हुई है, जिसको देख के मुझे घबराहट हो रही है। लोग हिजाब के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ आप लोगों के दिल में ये चीज नहीं डालूंगी कि हिजाब पहनना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। लेकिन मुझे लगा कि मैं भी हिजाब करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लोग इतना शरीफ समझते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी हिजाब स्टोरी बताऊंगी। मैं आप लोगों का दिल साफ नहीं करूंगी, आप लोगों के दिमाग में जो भी गलतफहमी है हिजाब को लेकर के, कि उससे चीटिंग हो सकती है, तो हटाना चाहिए है ना, लोगों को लॉ चेंज करना चाहिए, ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं क्लियर करूंगी। मैं अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छी चीज, कुछ अच्छा मैसेज नहीं कन्वे करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कितनी अच्छाई है मेरे अंदर, ये बताने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो हिजाब लिया था, उसका बस यही पर्पस था कि आप मुझे अच्छा समझें, मुझे भला समझें, और मेरी शादी में भी कोई अड़चन ना आए। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाते दिखाते दूसरों को टॉन्ट ना मारूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, हिजाब किसी के फैशन के लिए नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं, जब गंदे कपड़े पहने होते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते तो अबाया डाल लेते हैं, जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो फिर है ना अबाया हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसी के फैशन के लिए नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिजाब हमारे किसी के फैशन के लिए नहीं है, मेरे फैशन के लिए है। आप लोगों के फैशन के लिए नहीं है, मेरे फैशन के लिए है। कुछ लोग होते हैं जब खराब कपड़े पहने होते हैं अबाया पहन लेते हैं, जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं हटा लेते हैं। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। अच्छा लगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन के लिए जब चीजें आती हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए ये बुंदे झुमके ये सब दिखने के लिए कान दिखना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब कपड़े हम पहनते हैं, तो उसके लिए हमारा पूरा ये बॉडी दिखनी चाहिए, अच्छे से फिटिंग दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, और जीन्स पहने तो डेनिम जो होनी है चिपकी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हिजाब करते रहिए। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, के हिजाब डालने के कितने अच्छे अच्छे फायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरी जिंदगी बदल गई, जैसे मुझे जब मैं जैसी थी, जो मैं एक्चुअल में, जो मैं असली में जैसी थी, वो इमेज हटके बिल्कुल एक नई इमेज मैंने अपनी बनाई है। फ्रेंड्स, तो बहुत फायदे हैं इसके। आप हिजाब डालना तो शुरू करिए, आप पीछे पीठ पीछे कितनी भी मटरगस्ती करिए, लेकिन सामने हिजाब डालिए तो फ्रेंड्स, दुनिया आपको अच्छा ही कहेगी। फ्रेंड्स, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, खुशामदीद, आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। पैर तो नीचे करो। अरे हाँ, मैं व्लॉग चालू है अम्मी, नीचे नीचे जो हाथ पकड़ो, बैठो बैठो, तुम बैठ भी नहीं पाती हो अम्मी। अरे क्या कर रही हो अम्मी, अरे अल्लाह कितनी पड़ रही है अम्मी। ठीक से बैठो अम्मी, जा रहे हैं, एनिवर्सरी है हमारी। अच्छा, सलाम कर दे। हाँ, कर नहीं रहे आजकल अम्मी, आज कर लो, वहां से तो हो नहीं रहा, आप ही कर दो। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम शर्माओ। हाँ, अब लगा ना जगत अम्मी आई है। हाँ तो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, जा रहे हैं फिर अम्मी, इस बार भी अपने गांव मनाने जा रहे हैं अम्मी, मऊदा, वहीं पे एनिवर्सरी मनाएंगे अम्मी। लेकिन अम्मी सही रहेगा क्या वहाँ पे मनाना? यही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, अभी उनके दादा का इंतकाल हुआ है, उनका 40वां तक नहीं हुआ अभी। अब तुम एनिवर्सरी मनाओगी, फिर उसमें सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, नाच गाना, ये सब तो अच्छा नहीं लगता हमें। अम्मी अम्मी कहना चाह रहे हैं, बट हमें क्या करें, हमें फनी ने भी अपने सारे दोस्तों को पहले से सब कुछ बोल दिया, सबको तो सबको उसके दोस्तों को, दोस्तों से क्या, वो तो वहीं के वहीं है ना, उनके कोई काम ना धंधा, आज नहीं तो कल जब बुलाओ तब आ जाए, क्या दिक्कत है उसमें। फनी को बस जितना जितना भी खर्च करवाना है करवा दें अम्मी, वो खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, हमें बहुत खुशी मिलती है अम्मी। अल्लाह नहीं, हम जानते हैं, देखो इज्जत तो तुम्हें प्यार बहुत है अम्मी, प्यार हम समझ गए, उसने तुम्हारे दिमाग में यही डाल दिया है कि इज्जत जो है वो उसको तुम्हीं से मिल रही है, ये उसने तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया अम्मी। अगर उसको उसकी खुशी मिलती है अपने चार पंच लौंडो को साथ में रखने में, खुश रहने में, दोस्तों पे बहुत जान छिड़कता है अम्मी, बहुत ज्यादा। हम समझ गए, समझ गए, जैसा हमने अपनी बहू के साथ किया वैसा हमारी बेटी के साथ हो रहा है, हम समझ गए, यही हमें झेलना है, हम सब समझ गए। अम्मी वही कहता है ना, कर्मा वापस आता है, कर्मा हिट से बैक। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी उनके दादा का इंतकाल हुआ, तो थोड़ा रुक के मना लो, एकदम से करोगी ना तो फिर। अम्मी आप कौन सा गई थी बताइए, जब दादा का इंतकाल हुआ था हमारे। लेकिन सुनो, तुमने फुप्पियों को बुलाया है कि नहीं बुलाया है? फुप्पियां आएंगी इस बार अम्मी, इस बार तो दिखाना पड़ेगा ना व्लॉग में। जैसे ही दिखाओगी हमें बता देना, कैमरा ऑन है, काम करो,
लेना उनकी पप्पी लेनी है। हाँ, इस बार चुम्मी ले लेना आप इस बार उनकी डायरेक्टली। पब्लिक बहुत बोल चुकी है अम्मी कि पुप्पियाँ नहीं आती हैं, पुप्पी नहीं आती हैं। ये टेंशन ले लेके अम्मी आप कितना परेशान रही हो हमको पता है। ज्यादा हमें रात के एकदम था, एकदम से हमें लगे कि भैया हमारी हमारी हमने इतना चुम्मी है चाटी सब कुछ करी, हम एक अच्छी सास बनी है, तो अब हमारा एक वो कैरेक्टर जो एक बन गया है वो खराब ना हो। है अब कोई कहेगा बताओ सास तो अच्छी बनी लेकिन बहू नहीं अच्छी बनी, तो हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है ना उसमें। तो हमें वही था कि थोड़ा सा अब जब फुफियाँ आएंगे तो हम खूब चाटेंगे चूमेंगे उनको दिखाएंगे। हमें डांस भी करोगे हमारी एनिवर्सरी में इस बार? वही वाला दिखा दो मम्मी एक बार, एक बार कैसे हमारे हिस्से का तो वो कर ले रही है वही। अम्मी अम्मी कर दो सलाम, कर दो अच्छा सलाम। छोटो को बड़ो को अम्मी का प्यार भरा सलाम। कितनी प्यारी लग रही है अम्मी। अरे हाय 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 शर्माला शर्मिला, बिल्कुल शर्मिला टैगोर हो अम्मी। आए हाय हाय झूमे जाए झूमे जाए, कैमरा भी झूमे जाए। हाँ पापा को फिर रख लिया उन्होंने अपने पास, फिर से रख लिया पापा को फिर से अपने। इतना खुश रहते थे हम ऐसे दुख दर्द की बातें अपना। देखो देखो हमें पास सही बताना, खुश तो आप तब रहती हो जब पापा उधर रहते हैं, है ना मम्मी? कभी कभी हमें लगता है उनके लिए बेचारे रो रहे थे। उनके लिए हम भी अभी हम उनको बस मिल मिल के आ जाते हैं, क्या करें मम्मी हमारे तो कंट्रोल ही नहीं है। ये देखो ये तुम्हारे भाई भाभी नहीं आए एनिवर्सरी में, पता लग गई तुम्हारी कितनी इज्जत है उनकी नजरों में। और बहाना लगा भाई तो बिजी थे ना। नहीं बिजी के लिए तुम्हारा एक दिन में अटेंड करके जा सकते। देखो हाँ, ये लेकिन ये बात अलग है भाई, अगले दिन के लिए अगले दिन मॉल घूमने चले गए भाई, है ना? कि अब तुम्हारा आदमी देखो इज्जतदार होता, कुछ काम काजी होता, उसकी भी कोई रेपुटेशन होती तो वो आते। अब ऐसे निठल्लों की ऐसे पंचर लोगों के में क्या आएगा, वो अपनी इज्जत थोड़ी खराब करेगा। सही बात, वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है ना वहाँ का। सही बात है, तो वो इसीलिए नहीं आया। और कह रहा था कि हमसे ऊपर कोई नहीं है मौदा। और अगले दिन भाभी उनको बाहर लेके मॉल चली गई अम्मी, देखा? हाँ पापा बेचारे अकेले। अच्छा जी और देखो सारा जो काम का जो मेन जो काम है वो हमारे जिम्मे है कि खाना बना के देना उनका, तो ऐसे तो हम रख ले तुम खाना बना के दे दो। पर अम्मी भाभी तो बोलती हैं कि सब जान छिड़कती हैं वो, और वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। देखो वो तो तुम भी बोलो, हर कोई बोलो कि जान छिड़कते हैं ये। देखो इसी से चलता है आगे, है इसी से व्यूज आते हैं, लोग सोचते हैं कि बताओ कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे है नहीं। तो इसी तो ये तो टैक्टिक्स है अपनी आपस की। हाँ ये बात भी है, ये बात सही कह रही हो आप। जाओ हमारे लिए कुछ ले आओ, कहाँ जा रही हो बाहर, हमारे लिए कुछ लाया जरूर करो, हमें पसंद। हमें आपकी आपके लिए वहाँ से लौटते हुए खीरे लेके आएंगे मौदा से, आपको बहुत पसंद है ना अम्मी खीरे। खीरों से खुश नहीं हो रही क्या? अच्छा आपकी आपकी चांद वाली लेके आए क्या? नहीं 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 खीरे तुम अपने मुंह में डालो। हम सोच रहे अम्मी अम्मी खीरे मुंह में डालेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी, वैसी आवाज नहीं निकलती है। अल्लाह खीरे नहीं, हमें काम करें मौदा जाते वहां से नहीं चाहिए हमें। सुनो तो मौदा जाते वहां से जाके काफी रोड पर कह जाते उसको मलंग में आते वो भी निकलेंगे वो भी निकलो रे छोटा निकल मम्मी और आगे बाहर आते नीचे आते ऊपर चले जाते नीचे आते ऊपर जाते साइड में जाते खाना खाते ऊपर जाते फिर चले जाते नीचे ले रहे मैं ब्लाउज में बैठ रहे मैं चले लड़ता। सुनो हमें खीरे नहीं चाहिए, हमें हीरे चाहिए। आपको हीरे चाहिए? अल्लाह हमें अल्लाह सोचा था हीरे जैसा दामाद मिलेगा तो वो तो हमें बिल्कुल नालायक मिला है, जो तुम्हारी कमाई खा हीरे जैसा दामाद मिल गया आपको। हमें बिल्कुल एकदम हम बता नहीं सकते, वो एनिवर्सरी में हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लिया लेकिन के लिए कुछ नहीं लाएंगे हम बता दे रहे हैं। हमें लड़की हाथ में रखनी है, दामाद के हाथ में रखने से क्या फायदा जब उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये बात भी सही है, लड़की के लिए हम गिफ्ट ले आएंगे, फिर हमसे मांगेगा तो फिर हम कह देंगे ले आएंगे, ऐसा टरका देंगे तुम्हारे। हमें लेके इस बार फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एनिवर्सरी में हमारी खुशी के लिए ठुमके वाला डांस करते ना एक बार। हम कर देंगे ये बहुत बढ़िया, अल्लाह मजा आ गया, अल्लाह ताला। लेकिन डालना नहीं बिलाल ने। हाँ फ्रेंड्स आप देख रहे ना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है अम्मी का। सबको बुला लेना जितने भी आसपास हो सबको, जिससे लोगों को यकीन हो कि हमारी भी इज्जत है। ऐसा ऐसा जो चली गई थी क्या है अम्मी? इज्जत है हमारी। अरे इज्जत तो हम हर कोई दे देता है, बाहर जाते हैं इज्जत मिलती है। और इज्जत लुटाने वाला इंसान है अपने कर्मों से जो इज्जत लुटा देता है भगोड़ापन करके। अच्छा अम्मी आप कह रही हो ये बात, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें इज्जत बहुत ज्यादा इज्जत मिली है। चलिए अम्मी बहुत बड़ी बात आपने कर दी आज, आज आपकी बात को अम्मी हमने पल्लू में बांध के अंदर रख लिया है अम्मी। बस बस पापा के लिए बुरा लगता है लेकिन चलो अब ये खेल है, व्लॉगिंग का खेल है, घर घर खेल है, तब क्या करें। वही है अम्मी अब क्या करें, जा रहे उनके लिए बुरा तो लगता है लेकिन कभी उनकी आवाज नहीं निकलने दी हमने। पता है क्या करते थे वो? हाँ। जब हम जाते थे मौदा तो उनकी अम्मी कहती थी कि हमारे पास आके रुको। अम्मी माँ है, माँ का औलाद के साथ रुकने का मन करे। हम नहीं जाने देते थे, हम अपने मायके में ही बुला लेते थे।
अच्छा और तो मिलने देते थे हमने हर बार की तरह? बिल्कुल नहीं मिलने देते थे, बिल्कुल नहीं। और जब उनको पैसे देने होते थे अपनी अम्मी को, तो वो छुपा के किसी को दे दिया करते थे। फिर जो हम बवाल मचाते थे, हम कहते थे हमें सूट नहीं दिलाते, अपनी अम्मा को पैसे भेजते हो। हाँ बिल्कुल, ये हम करते थे। खैर वो सब पुरानी बातें हैं, वो सब मौदहा में लोगों को भूल जानी चाहिए। अब तुम बुलाओ, सबको दिखाओ, कैमरे में ब्लॉगिंग में सबको दिखाओ। आजकल सबको शौक है कि वो ब्लॉग में आए, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आ भी जाएंगे, भले ही कुछ पता हो जाए ना। सबको ये शौक है कि वो ब्लॉग में आया करें, इसीलिए चार लोग दिखाने के लिए बुला लेना तुम। ठीक है, जाओ निकल लो यहाँ से, मैं सोने में तुमने खलल डाला। निकलती कुछ लाओगी तभी उठेंगे। ठीक है, हीरे नहीं हीरे आएंगे अम्मी इस बार फिर से। हीरे आए हाय ठुमका लगा दो फिर से। अरे व्लॉग शूट हो रहा है, व्लॉग शूट हो रहा है, व्लॉग। हाँ व्लॉग शूट हो रहा है भाभी। सर 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 व्लॉग के लिए भी नहीं चाहिए, व्लॉग के लिए। व्लॉग के लिए भाभी कहाँ है? अम्मी का दुपट्टा। हाँ भाभी आपसे अच्छा लगेगा। बस रेडी हैं आप? तैयार हैं आप? रेडी शुरू करें। और नैन्सी दीदी ने सब काम कर दिया जो मैंने बोला था उनको, मुझे सिर्फ चम्मच चला के वो सब डाल डाल के दिखाना है। नैन्सी दीदी ने सब रेडी कर दिया ना, आप जरा सा मुझे देखने दो। बस काट वाट के नैन्सी दीदी ने सब रेडी कर दिया भाभी। नैन्सी दीदी ने सारे वेजिटेबल्स वगैरह ये लगाना नहीं है व्लॉग में, इट्स जस्ट दैट आई एम मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी, मी द कैबिन क्रू। तो ये व्लॉग बनाना पड़ा है लेकिन अभी मुझे लगा व्लॉग शूट करना है, व्लॉग शूट करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो दिस इज द वन ओनली थिंग, दिस इज द ओनली वन थिंग, मेरी इंग्लिश पे मत जाइए, आई वाज द कैबिन क्रू। तो आई जस्ट वांट टू से दैट इंग्लिश में नहीं, हमारी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलना है। ओके ओके सॉरी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह वो खैर। ये सारा भाभी ये तो हम भी सीख गए। ये नहीं बताया हमने, चौथा वाला नहीं बताया। अम्मी खुद नहीं बोलती, अम्मी को खुद नहीं मालूम है वो। अच्छा तो हम ये कहना चाह रहे हैं इट्स ओके जस्ट लीव इट। क्या भाभी आप हंसी जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले, डायलॉग आप भूल गए। ये डायलॉग प्लेट भाभी देखो निक्कू भी आ गया, देखो निक्कू भाभी भाई के साथ सुट्टा लगा के आ गए। हाँ लगा लिया सुट्टा भाई के साथ, चिकन बना दिया आपसे, चिकन गाइस गाइस। अच्छा ब्लॉग शूट करी तो तेल लगा दिया, तेल डाला दिया उसमें, तेल लगा दीजिएगा मतलब तेल डाल दिया चिकन में खूब भर भर के तेल। अच्छा ठीक है भाई के साथ जाएंगे हम, दूसरी बार लगाने जाओगे सुट्टा? हाँ हाँ देखो हाँ। मैंने तो छोड़ दिया, मैं पहले लगाती थी अब नहीं लगाती, मौदा की छत में भी एक बार लगा रही थी मैं। हाँ, हाँ, पता देख लिया शूट करने देख लिया था लोगों ने। लाउंज शूट करना है आपका। अरे रुपट्टा ऊपर आने के बाद जब भी मैं किचन में होती हूँ तो भाभी ऊपर से ले रहे हैं आपका, नीचे से वो टी शर्ट नहीं दिखनी चाहिए आपकी भाभी। नहीं 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 टी शर्ट और लोअर ये सब नहीं दिखेगा भाभी। तो ये लौकी है, ये लौकी वाली अनोखी है, ये दाल है, ये दाल पूरी दाल काली है भाभी। नहीं ये तो पीली है। नहीं हमारी वाली, हम सबकी दाल जो है काली होती है। ये चॉप्ड ऑनियंस है, ऑनियंस आई एम द कैबिन क्रू। ऑनियंस ऑनियंस भाभी ऑनियंस। और ये स्पिनेच है, आई एम द कैबिन क्रू। स्पिनेच हाँ भाभी सही बोल रही हैं आप, एकदम भाई को बता दिया। एंड दीज आर सम ऑफ द चॉप्ड गार्लिक एंड ऑनियंस, नहीं नहीं नो गार्लिक एंड जिंजर, सो दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम फ्लेवर इन द फूड, आई एम द कैबिन क्रू। सही है भाभी। ये किचन की सबसे 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 जरूरी चीज जो बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल होती है, ये हमारा रिफाइंड ऑयल। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि एक अच्छी बहू बनने के लिए मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं ना कैबिन क्रू बनूँ, ना टीवी एक्ट्रेस बनूँ, ना पैसे कमाऊँ, द मेन थिंग आई वॉन्टेड जस्ट टू सिट एट होम एंड कुक। जैसा कि जनाब हमेशा कहते हैं कि उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है, उनका डाइट वाला खाना पसंद है, अम्मी को मेरे हाथ का खाना पसंद है, सबको सिर्फ ठूसना पसंद है, बनाना किसी को नहीं पसंद है। तो इसीलिए आई एम द मोस्ट संस्कारी, मोस्ट डेडिकेटेड एंड मोस्ट प्रोजेक्टेड बहू ऑन द स्क्रीन, आई एम द कैबिन क्रू। भाभी प्रोजेक्टेड नहीं है वो, आप प्रोजेक्ट करती हैं, ऐसा है भाभी। तो देखिए अच्छा नहीं लग रहा कितना हम आपका जो प्यार जो अफेक्शन जो मोहब्बत है वो अगर खाने की वजह से नहीं आई तो फिर क्या ही फायदा, और उससे व्लॉग ना बने और पैसे ना आए तो फिर क्या ही फायदा है ना।
ये आखिरी वाली हंसी होती है मेरे सारे एक्सेस के लिए और मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने मुझे छोड़ रखा है. एंड दे थिंक दैट आई एम नॉट हैप्पी. आई एम हैप्पी. आई एम द हैप्पीएस्ट लेडी इन द वर्ल्ड. आई एम द कैबिन क्रू. सो अब मैं खाना बनाती हूँ. आप सारी प्रिपरेशन आप लोगों ने देखा. ये सब मैंने करी है, किसी और ने नहीं करी. नैन्सी दीदी ने करा है. ठीक है भाभी, आप बेइज्जती कर रही हो हमारी. सो जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज अम्मी और आज हमारी वो चबूतरा और आज हमारा वो गुटका किंग सब लोग आने वाले हैं, तो मैं सबकी पसंद का स्पेशल खाना बना रही हूँ. क्योंकि ऐसे में क्या होता है, तीन लोगों के ब्लॉग चलते हैं, हमारी मुनिया का, सॉरी हमारी चुनी मुन्नी का, और हमारे जनाब का सुड़क वाले, और मेरे भाभी भाई भाई का जो खाना है ना, भाई का खाना इसमें बनाइएगा भाभी. ये लीजिए जॉनसन्स बेबी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा भाई का. भाई का खाना जॉनसन्स बेबी में खाना बनाती हूं, क्योंकि भाई जो है जॉनसन्स बेबी ऑयल में. हां क्योंकि भाई भाई जो है बेबी है. हां है भाई, भाभी है. हां भाभी, खैर कोई बात नहीं. मैं तो बिल्कुल एकदम दुलार में चली जाती हूँ उनके. जनाब, माय जनाब, माय जनाब इज द बेस्ट जनाब इन द वर्ल्ड. माय जनाब इज द जनाबेस्ट जनाब इन द वर्ल्ड. उनसे ज्यादा जनाबियत किसी के अंदर नहीं है. तो व्लॉग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जनाब के एकदम लोएस्ट, सबसे लोएस्ट, मतलब अभी तक झलक दिखला जाए मैं शायद ही किसी के आए होंगे. पूरे सीजन आप 11 उठा लीजिए, इतना लो स्कोर किसी का भी नहीं आया था. सो बहुत 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 ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की भीख की. बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. प्लीज जनाब को वोट करिए, सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को निकाल दीजिए, हमारे जनाब को टॉप पे ले जाइए. भाभी भाई बोलते हैं सही चीज करिए, गलत चीज नहीं. सही चीज करिए, हमारे जनाब को वोट करके, और गलत कंटेस्टेंट जो कि अच्छे से डांस करें उनको निकाल दीजिए. एंड प्लीज प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये ट्रॉफी हमारे आए, जनाब जिंदगी में कुछ तो उखाड़ पाए. सो आप एक बात बताइए कि मैं थोड़ा जनाब की चाट किया हूँ वहां पे जाकर के, मुझे उनको बीच बीच में कंसोल करना पड़ता है कि आपकी बैड परफॉर्मेंस नहीं थी. जजेस वर नॉट एबल टू जज यू. They don't know the love, the affection, the good personality you have inside. I am the cabin crew. So, बीच बीच में मेरी इंग्लिश भी निकल जाती है, मुझे याद आ जाता है that what I was and what I am right now. So, because of that, ये तो ज़्यादा मैंने सही ज़्यादा बोल दिया भाभी. But मैं आपको पूरा प्रोसेस जो होता है ना कुकिंग का, आपको पता नहीं है कि कैसे कुकिंग करी जाती है. द लव द अफेक्शन आई हैव फॉर माय फैमिली आई विल शो यू. तो आप लोग जब देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा. तो चलिए मेरे साथ. और ये खाना बनाने का सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता, उसके लिए मैंने अपने जनाब को बुला लिया था गाइस. जनाब ने मेरे लिए कर दिया गाइस. और ये देखिए ना, आप देखिए, ये लोग ये इतना डांस में रम गए हैं, ये मान ही नहीं रहे. ये हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, किचन में, पॉटी में, सोते टाइम, उठते टाइम, बेड पे, हर जगह परफॉर्मेंस. सो गाइस, खाना मैंने बनाने के लिए रख दिया था, और अब आते हैं मुद्दे की बात पे. सो मुद्दा ये है कि मुझे कुछ चीज़ें स्पॉन्सर करनी है, उनको आपको मेरा कूपन कोड चिपका के ले लेना है, और उससे ही मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए मैं पहली बार अम्मा को नीचे गाड़ी से लेने गई थी. अम्मा इतनी बार आती हैं, जाती हैं, नीचे चटाई में पड़ी रहती हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है. लेकिन अब जब जनाब का शो आ रहा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर मी, विद माय मोस्ट प्रीशियस जनाब, जो कि अकेले टैलेंट के दम पे कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उनके लिए ढेर सारे वोट करने हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, जस्ट योर ब्लाइंड फॉलोइंग. तो बहुत 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 सारे उनके लिए वोट करिएगा, जिससे कि वो बहुत 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 सारे टैलेंटेड लोगों को निकाल के खुद आगे बढ़ जाएं, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी. फिर हम बोलेंगे अल्लाह ने हमें नवाजा है, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है ये डांस करके. सो अल्लाह ने बोला है कि डांस करो और इज्जत कमाओ. सो दिस इज़ वॉट वी थिंक. आप लोग ऐसा नहीं सोचते क्या? मतलब खैर, मुझे तो अम्मी ने यही बताया कि पापड़ खाना सुन्नत है रमज़ान के टाइम पे, तो यही सब मुझे पता चला है इस्लाम के बारे में. और आप लोग क्यों मुझे फालतू बोल तो as a true Muslim I should offer prayer. No, it's not like this. If I'm saying certain words, you should consider me as a fellow Muslim. So यहाँ पे जनाब खा रहे थे, बहुत 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 enjoy कर रहे थे, और जनाब कह रहे थे बहुत 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 अच्छा बना है.
सो गाइस, फिर मुझे स्पेशल डे के लिए स्पेशल शॉपिंग करने जाना था, तो मैं अपनी चुन्नी मुन्नी के साथ शॉपिंग करने गई थी और मैंने तमिल भाई से एकदम तंबू वाली ड्रेस बनवा ली थी और इसके पैचे इतने खुले खुले थे, पूरी हवा पास हो रही थी. एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ़ यू आर ईटिंग सो मच तेल, तो आपकी हवा पास होना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने उसी चीज़ को कंसिडर करके अपने एकदम खुले खुले पैचे बनवाए थे और इतनी खुल्लम खुल्ला ड्रेस बनवाई थी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फीडिंग. सो फीडिंग फ्रेंडली एंड तमिल भाई नोज़ द बेस्ट. सो तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला. माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला. माँ और फिर यहाँ जनाब से स्टेज पे मिलके जनाब ने जो मुझे इतना टाइट हग किया ना, मतलब ऐसा लग रहा था जनाब लगता है दसियों साल के बाद मुझसे मिले हैं. रात भी तो गए थे ये मिलके, खैर कोई बात नहीं, एक्टिंग तो एक्टिंग है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है आप कमेंट करके बताइए. कौन सा सीन, कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट रहा है अब तक का. तो हमारे व्लॉग्स अगर आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हैं, अगर आप इंजॉय करते हैं, आपको हंसी आती है, तो नीचे कमेंट करके बताइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग अस, सपोर्टिंग अस और हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. हम लोग जब नहीं आते तो हमें कंटिन्यूसली रिमाइंड कराने के लिए कि कहाँ हो, प्लीज़ कम विद मोर व्लॉग्स. सो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप लोग और किस किस टॉपिक पे व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, बिकॉज अब थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालें, ज़्यादा गैप ना करें और जो जो आपको देखना पसंद है सब दिखाएंगे. सो एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इफ़ यू थिंक के और भी लोग हंस सकते हैं, एंड कमेंट ऑल्सो कि जो भी आप सबको पसंद आए. थैंक यू.